कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, कसे भी क्यों ना, क्योंकि कर्नाटक को जीतकर कांग्रेस के किले में सेंध जो मारनी है। बीते कई सालों से यहां कांग्रेस की सरकार है, भाजपा अपनी पुरजोर कोशिश कर कर्नाटक में अपना किला बनाना चाहती है। बता दें 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे और राज्य में 5 दिनों में 15 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें 2 जनसभा बेंगलुरु शहर में ही की जाएगी और राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहली बार आ रहे मोदी अपने आक्रामक प्रचार अभियान की शुरुआत कल चामराजनगर से करेंगे और मैसूर जिले में चामुंडेश्वरी से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को निशाना बनाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को वोट देने के लिए जनता को फायदा बताएंगे और इसके अलावा राज्य की सिद्धारमैया सरकार की कमियों और भ्रष्टाचार को भी एक अहम मुद्दों के तौर पर पेश किया जा सकता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।